हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस गुंजन योर केमिस्ट्री ट्यूटर और आज हम रिवीजन करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की बहुत ही ज़्यादा है ये आपको पता ही है जेई के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन आप ऑर्गेनिक में भी देखते हो राइट हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल रेजोनेंस ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट में भी यूज करते हैं तो इसीलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी अब जेई का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है राइट तो अब हमें कुछ ऐसा पढ़ना है जो हमें एक तरह से मंत्रा एक तरह से हमें ऐसा लगे कि बस डायरेक्टली कुछ डायरेक्टली हमें मिल जाए जो जेई के परस्पेक्टिव से हो क्योंकि अब हम वो हैवी बुक्स डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते इतना टाइम अब हमारे पास बिल्कुल नहीं है अब हमें सिर्फ क्या चाहिए One shot revision, right? तो बिल्कुल तैयार हैं आप स्टे कनेक्टेड अब हमें केमिकल बॉन्डिंग एक शॉर्ट में बहुत अच्छे से जेई के परस्पेक्टिव से रिवाइज करना है फाइन चलिए फिर चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग है क्या राइट right, एक इंट्रोडक्शन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या वेल well, ऐसा कुछ बोल सकते हैं इट इज दी अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स राइट जिसकी वजह से वो क्या है बॉन्डेड है सो so, हम केमिकल बॉन्डिंग को क्या कह सकते हैं दिस इज बेसिकली अट्रैक्शन बिटवीन द राइट right? और ये अट्रैक्शन है क्यों क्यों हमें अट्रैक्शन चाहिए बिटवीन या अट्रैक्ट कर क्यों रहे हैं टू अटेन दी स्टेबिलिटी राइट कोई भी चीज स्टेबल होना चाहती है इसीलिए एच है एच है वो आपस में अट्रैक्शन क्यों शो करेंगे क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं स्टेबिलाईज हो रहे हैं सो टू अटेन स्टेबिलिटी ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन बाय ओके या इस तरीके से लिख सकते हैं हम स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी फाइन तो केमिकल बॉन्डिंग में हम इसी तरीके से देखेंगे कि क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से एटम्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं कौन कौन सी अट्रैक्शन हो सकती हैं क्या टाइप्स हैं और उससे मॉलिक्यूल किस तरीके से डिफाइन होता है ठीक okay. so, है ओके नेक्स्ट सो हम वेरियस थ्योरीज इसमें कवर करते हैं इस चैप्टर में सो फर्स्ट इज कॉसल ल्यूस अप्रोच एंड ऑक्टेट रूल वेल ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर आपने बचपन से बड़ा है टेंथ में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है ल्यूइ डॉट स्ट्रक्चर तो यहां पर हम क्या देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ठीक है ल्यूस अप्रोच क्या कहती है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी आटम के वही किस में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वही क्या हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते, है? करते हैं डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलरली अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम एटॉमिक नंबर इज थ्री सो टू कोमा वन फाइन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ वन हुआ ठीक है टू जो है वो क्या हो गए इनर इनर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए सो so, लिथियम के पास भी हम एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे सो दिस इज दूस डॉट स्ट्रक्चर फाइन ओके सो नेक्स्ट इज ऑक्टेट के बारे में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं अब हम ऑक्टेट रूल ऑक्टेट रूल क्या कहता है देखो ऑप्टेट रूल ये बोलता है कि हर एटम के पास ये टेंडेंसी है कि वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन कर सकता है ओके सो एवरी एटम एवरी एटम वॉन्ट्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन ओके सो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है क्या सो दैट इज हैविंग एट इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल बट हाइड्रोजन के लिए क्या है डपलेट सो दैट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके पास फर्स्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स है और हमें पता है टू एंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं फर्स्ट शेल में राइट right? ओके okay. सो so, इसी तरीके से अगर हम बॉन्डिंग देखें तो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो इसके पास भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है ठीक है तो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है ठीक है सो दिस इज दी ऑक्टेट रूल नेक्स्ट अब इस रूल में लिमिटेशन क्या है ठीक है अब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो हम ये बात करें कि एट इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में फाइन लेकिन अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एट से ज्यादा या एट से कम है ठीक है सो हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट फाइन जो हमारे पास हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल है वो भी एग्जिस्ट करते हैं हाइपर वैलेंट का मतलब है एट से ज्यादा ओके हाइअर साइड सो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एच टू एसओ फोर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे सल्फर इस तरीके से बॉन्डेड होता है तो अब यहां पर देखो आप टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहां पर टोटल आप सल्फर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स देखो वन देन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो टोटल सल्फर के पास यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है सिक्स और सिक्स जो है वो क्या किए उसने सिक्स इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग में यूज हो गए हैं देखो इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया ना यहाँ पर इस तरीके से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स तो एट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए राइट सिमिलरली सेकेंड पॉइंट इज हाइपोवैलेंट भी एग्जिस्ट करते हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट हाइपोवेलेंट मतलब लेस देन एट तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक बीई सी एल टू ठीक है जैसे बीई सी एल टू के स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है वन टू थ्री एंड फोर सो फोर इलेक्ट्रॉन सो फोर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स लेस देन एट इलेक्ट्रॉन्स फाइन तो ये सब क्या है लिमिटेशन क्योंकि ये अपने ही लॉ को जस्टिफाई नहीं कर पाया एक तरह से अपनी ही डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया ओके नेक्स्ट थर्ड वन मॉलिक्यूल्स विद ओड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट ओड इलेक्ट्रॉन के साथ भी मॉलिक्यूल स्टेबल है और एग्जिस्ट करता है सो मॉलिक्यूल विथ ओड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट फॉर एग्जाम्पल एनओके सीएलओ टू सी एल ओ थ्री ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि किसी एक को हम देख सकते हैं सेवन क्लोरीन एक हेलोजन है सो आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स है सो वन टू थ्री फोर फोर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है सो फाइव सेवन सो यू कैन सी देयर इज वन ओड इलेक्ट्रॉन लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है तो इसको ये नहीं समझा पाए कि ऐसा कैसे हो गया देन नेक्स्ट वन नोबल गैसेस नोबल गैसेस तो हम ये बोलते हैं कि वो स्टेबल है वो तो कंपाउंड बना ही नहीं सकती सो नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड राइट बट जिनोन कंपाउंड एग्जिस्ट राइट ये हमने देखा है कि जीनोन के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो यहां पर वो चीज भी एक लिमिटेशन हो गई ओके जैसे कि एक्जीएफ टू एक्जी एफ फोर And so on. So, बहुत सारे कॉम्प्लेक्से करते हैं दूसरा ज्योमेट्री शेप इन सब पर तो कोई कमेंट था ही नहीं सो so, ये सब क्या हो गई एक तरह से लिमिटेशन हो गई चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बोन्ड अब हम देखेंगे सो फर्स्ट इज आयनिक तो पहले हम आयनिक को कवर करेंगे ओके सो आयनिक की अगर हम बात करें So, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आप बेसिक डेफिनेशन आपको पता ही है फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दिस इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट जैसे कि बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल अगर हम लें तो NaCl क्लोरीन के uh, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर है? Positive, ले -ले उस पर पर चार्ज चार्ज क्या क्या आता आता है है पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा नेगेटिव सो ओवरऑल इज ओके तो इसमें इसी टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बोन हार्बर साइकिल अब हम उसको डिस्कस करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो इस टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छे से देखना है तो देखते हैं इसमें एनए के ही एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं फाइन देखिए तो एनए जो है सोडियम इज सॉलिड राइट क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है Cl2 टू गैशियस फॉर्म में बैलेंस करें तो हाफ Cl2 टू एंड दैट गिव्स अस NaCl और NaCl इज सॉलिड राइट सो दिस इज आर इक्वेशन फाइन एंड इसको हम बोल देते हैं यहां पर जो हमारे पास एंथैलपी है दैट इज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ये हम बोल देते हैं अब देखते हैं देखो कि ये तो डायरेक्ट हो गया एक तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं दूसरा दूसरे क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे कि एग्जैक्टली एन कैसे है एल एक लैटिस है और लैटिस की प्रिपरेशन जो है वो आयन से होती है एन ए और सीएल किसमें कन्वर्ट रहे होंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे वो एन ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव और एन पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करके क्या बनाएंगे एनए ये डायरेक्टली नहीं बनाते हैं बीच में एक मैकेनिज्म होता है जो हमेशा हर रिएक्शन में फॉलो होता है तो वो अब हम हर स्टेप को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ठीक है कंटिन्यू करें तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एन ए क्या है सॉलिड और पीरियॉडिसिटी चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि अगर हमें एन ए को एन ए पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको सब्लिमेशन क्योंकि जो आयोनाइजेशन है वो आइसोलेटेड गैशियस एटम से ही हो सकता है ये बहुत अच्छे से डेफिनेशन इससे पहले चैप्टर में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं फाइन सो दैट मीन्स आपको एन ए सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले एन ए गैशियस So that means, यहां पर हमने क्या किया है सब्लिमेशन किया है सो नाउ देअर इज एन थे बी कन्वर्टेड इन टू एन ए पॉजिटिव और एन ए पॉजिटिव मतलब आयोनाइज किया इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे दिस इज देशन एनथेल्पी ओके नाउ यहां पर देखते हैं अब वो दोबारा से डेफिनेशन देखो आइसोलेटेड गैशियस एटम इसका मतलब हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा आइसोलेट क्योंकि ये गैशियस स्टेट में तो ऑलरेडी है दिखाई दे रहा है हमें राइट सो दैट मींस अभी आपको क्या करना पड़ेगा इसको आइसोलेट करना पड़ेगा इसका मतलब क्लोरीन क्लोरीन को एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा तो देखते हैं ओके सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी सी एल गैशियस इसके लिए हमने क्या किया एक बॉन्ड को ब्रेक किया है तो यहां पर हम बोलते हैं एंथेल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथेल्पी इस तरीके से हम इसको लिखते हैं और यहां पर हाफ मोल है तो इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है इसलिए हमें हाफ लिखना होगा बिकॉज जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है दैट इज पर मोल बट यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमने हाफ मोल यूज किया राइट अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी से यहां पर इलेक्ट्रॉन देना है सो दिस विल बी कन्वर्टेड इन टू वी एल निगेटिव ठीक है तो एन ए से इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है तो अब हमारे पास फाइनली दो आयंस आ गए वन वन इज पॉजिटिव एंड अदर सी एल नेगेटिव तो फाइनली जो हमें चाहिए था हम पहुंच गए हैं वहां तक राइट सो so, अब हम इन दोनों को यहां पर दिखाएंगे कि इन दोनों को एड किया जाएगा एंड फाइनली यहां से क्या बनेगा एन ए सी ए सोलिड एंड दिस इज द लेटेस्ट तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं दिस इज दी तो देखो अब हम डायरेक्टली यहां पर देख सकते हैं कि डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू मतलब या डायरेक्टली हम देखें या फिर ये सारे स्टेप्स ऐड कर दें सो so दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे सो दैट विल बी दी इक्वेशन और वो इक्वेशन जो है वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी जाती है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और फेवरेबल कंडीशन इसमें ये है कि ओवरऑल दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो देखो सब्लिमेशन जो है वो एंडोथर्मिक है यहाँ पर आयोनाइजेशन अगेन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बोन एंथैल्पी अगेन आपको एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्जोथर्मिक होता है एनर्जी रिलीज होती है अगेन एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी रिलीजॉर्ब से इसमें क्या होती है हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं enthalpy, क्योंकि लेटिस एंथेल्पी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं सो लेटिस एंथेल्पी एक तरह से आयनिक करेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है ठीक है और लेटिस एंथेल्पी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज जो आय हैं जिनसे लेटिस बनी है उसके चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनडायरेक्टली जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू साइज दोनों ही कटायन और एनायन दोनों के चार्ज और साइज दोनों के ठीक है लेकिन यहां पर जो चार्ज है वो क्या है दिस इज डोमिनेटिंग फैक्टर इसको हम यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर बोलते हैं क्लियर ठीक है तो ये हो गई बोन हर साइकिल आयनिक में यहीं से क्वेश्चन बनता है तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है ओके okay. देन पहले हम कोवेलेंट की बात कर लेते हैं अब यहां पर कोवेलेंट बोन कोवेलेंट so, बॉन्ड बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयनिक में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है लेकिन कोवेलेंट में कोई भी आटम इलेक्ट्रॉन दे नहीं देगा नो no. उसको इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करने हैं उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देने हैं ऐसा कब होगा यहां पर लिख लेते हैं हम पहले म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं विद एन ए सी एल एंड एच सी एल क्योंकि सी एल में बना है कि एच में भी तो यही होना चाहिए एच ट्रांसफर हो जाना चाहिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो यहां पर भी सेम होना चाहिए बट कहानी इसमें अलग है तो देखते हैं यहां पर देखिए एच एंड सी एल फाइन हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन क्लोरीन के पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें पता है राइट इसको बना देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है अब हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जीरो तो ऐसा हो तो नहीं होगा अनस्टेबल तो तो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो वाटर के साथ जाके जुड़ जाता है हाइड्रोनियम आयन बना लेता है एच थ्रीओ पॉजिटिव बन जाता है सो दैट मीन्स हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं कभी भी ठीक है तो यहां पर देखो इस सिचुएशन में कभी भी वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा बल्कि म्यूचुअली शेयर करेगा उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो स्टेबल हो जाएगा ना उसका फर्स्ट शेल है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन राइट right? और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस तरीके से यहां पर क्या हो जाती है म्यूचुअल शेयरिंग सो दिस इज दी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन फाइन ओके सो अब कोवलेंट बॉन्डिंग ये तो बिल्कुल बेसिक कोवलेंट बॉन्डिंग है जो हम टेंथ तक पढ़ते आ रहे हैं अब कोवलेंट बॉन्डिंग में बहुत सारी थ्योरीज आई हैं ठीक है जिसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इस कोवलेंट बॉन्डिंग को फाइन इज वेलेंस बॉन्ड थ्योरी वेलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती क्या है स बॉन्ड थ्योरी यह कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास अन, जिनके पास या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ उनकी क्या होती है उन ऑर्बिटल्स की पेयरिंग होती है ठीक है सो so, यहां पर उन्होंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और वो बॉन्डिंग कैसे होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग बाय द ओवरलैपिंग ऑफ बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे जहां पर क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है तो अब हम ये ओवरलैपिंग ही देख लेते हैं एक बार इस ओवरलैपिंग को ही डिस्कस कर लेते हैं ठीक है सो so, ओवरलैपिंग जो है हमारी वो तीन तरीके की है बेसिकली वन इज यू कैन से पॉजिटिव ठीक है फर्स्ट वन हम पॉजिटिव बोल सकते हैं सेकेंड वन इज नेगेटिव एंड दर्ड वन इज जीरो ओवरलैप पहले इन तीनों को अच्छे से समझना है क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है और इन तीनों को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है किस एक्सिस के अलोंग डिस्कशन हो रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है जेई में यहां से क्वेश्चन मिल सकते हैं तो देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये हमें डिफाइंड मिलेगी क्वेश्चन में तो मान लेते हैं हम यहाँ पर pz ठीक है वो हमारी क्या है इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है मेन एक्सेस है जिसके अलोंग हमें ये ओवरलैपिंग डिस्कस करनी है ओके सो so, यहां पर देखिए पॉजिटिव मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि ये हमारे पास अगर pz है और हम pz को ही देखें तो pz इस तरीके से है एक और pz आ जाए ठीक है और थोड़ा सा कलर चेंज करके देख लेते हैं हम यहां पर देखो आप अगर ये पॉजिटिव फेज और ये पॉजिटिव फेज दोनों सेम फेज अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे सो दिस इज पॉजिटिव ओवरलैप फाइन एंड दिस इज नेगेटिव साइड तो सेम अगर फेज ओवरलैप करते हैं सो दैट इज पॉजिटिव ओवरलैप तो देखो ये ओवरलैपिंग हो रही है देन एक और देख लेते हैं हम इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ये हमारी मेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है PZ. इस पे अगर हम पीएक्स पी एक्स देखें तो पीएक्स जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर ये हमें पता है ना पीएक्स पीवाई तीनों क्या होते हैं ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर तो ये and, ये एंड इस तरीके से तो इनका ये साइडवेज ओवरलैपिंग में जो है पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है मतलब इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको देखो अब इसकी प्रॉपर ओवरलैपिंग दिखा देते हैं तो कुछ इस तरीके से देअर विल बी ओवरलैपिंग ये देखो बस ये है कि फेज जो है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए पॉजिटिव विद विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव विदिटिव नेगेटिव ओके अब यहां पर देखते हैं नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं है जो पॉजिटिव है उसी में अगर हम अपोजिट फेज देख लें तो दैट बिकम्स नेगेटिव ओवरलैप देखो अभी यहां पर सेम अगर पीजेड पीजेड की ही बात की जाए तो यहां पर देखो सिंपल है ये अगर पॉजिटिव है और ये अगर नेगेटिव आ गया है, यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अगर अपोजिट की ओवरलैपिंग है तो दैट बिकम्स दी नेगेटिव ओवरलैप दोनों केसेस में सेम बन जाएगी फिगर है हमारी यहां पर भी देखो यहां पर भी बिल्कुल इसी तरीके से सो इफ दिस इज पॉजिटिव सो दिस इज नेगेटिव

इसको एग्जाम्पल से देखते हैं जीरो ओवरलैप में देखते हैं ठीक है तो जीरो ओवरलैपिंग में पहले हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग है ही नहीं PZ जो है वो क्या है इंटरन्यूक्लियर तो इस एक्सपे अगर मैं PX ले लू और PY तो वो कुछ इस तरीके से नहीं होंगे क्योंकि वो भी क्या है आपस में परपेंडिकुलर तो क्या इसमें कोई ओवरलैपिंग एरिया होगा नहीं होगा है ना क्लियरली हम देख सकते हैं कि PZ अगर हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है दिस इज PZ और अगर ये पी एक्स एंड पी वाई है सो दे आर परपेंडिकुलर पेंडिकुलर दिस वे है ना तो विल बी नो ओवरलैपिंग तो पहला तो ये हम देख सकते हैं नेक्स्ट यहां देख लेते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसा हो सकता है देखो ये हमारे पास मान लो पी एक्स है और इसको एस के साथ करते हैं तो एस कुछ ऐसा होगा एस हमें पता है दैट इज फेरिकल साइड so so तो तो like यहां पर निगेटिव तो अगर हम यहां देखें तो दिस इज प्लस प्लस एंड दिस इज प्लस माइनस तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं दे कैंसिल आउट इचे ठीक है अगर ये कैंसिल आउट करेंगे ध्यान से देख लेते हैं सो दिस इज जीरो ओवरलैपिंग तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है तो इसको भी हम जीरो ओवरलैपिंग में ही कंसिडर करते हैं सो दिस इज ऑल्सो इन दी जीरो ओवरलैपिंग पोर्शन ओके अब हम देखते हैं इन तीनों में काम की चीज क्या है अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो तीनों टाइप

अब इसमें दो तरीके की देखो हमने ओवरलैपिंग देखी है अगर पॉजिटिव साइड देखो आप तो हमने दो तरीके की ओवरलैपिंग देखी है वन इज दिस जिसमें हमें अलोंग द एक्सेस कुछ दिखाई दे रहा है एंड दिस इज दी साइडवेज ठीक है ये साइडवेज ओवरलैपिंग है और ये क्या है अलोंग दी एक्सेस तो यहां पर देखो इसको भी हम किस तरीके से देखते हैं दो तरीके से कैटेगराइज है ये दिस इज दल ओवरलैपिंग और एक्जुअल ओवरलैपिंग में क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है और यहां पर देखो ये है साइडवेज ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है पाए बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से पाए बॉन्ड बनता है और इन दोनों को अगर हम डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ तो यहां पर देखो सिग्मा जो है वो ज्यादा स्टेबल है ज्यादा स्टेबल है ध्यान रखना है क्योंकि वहां पर डायरेक्ट इस तरीके से हेड ऑन हेड ऑन ओवरलैपिंग है सो दिसंट ओवरलैपिंग सिग्मा जो है वो क्या है ज्यादा स्टेबल होता है pi bond. Clear? Okay. So, positive में हमने देख लिया सिगमा एंड पाए ठीक है तो सिग्मा जो है वो मेन है वही बॉन्डिंग करता है और यह सिर्फ क्या करता है ओवरलैप करता है उसको ठीक है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है आगे जो हम हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री शेप सारी चीजें देखते हैं वो सब बेसिकली किससे डिफाइंड डिफाइंड है so, अच्छा, है दैट इज इज विद सिग्मा बॉन्डिंग ओनली फाइन सो दिस पॉजिटिव ओवरलैप अच्छा ठीक अब हम यहाँ पर पहले एक बार लिमिटेशन देख लेते हैं आगे हमने हाइब्रिडाइजेशन या आगे जो नेक्स्ट थ्योरीज है वो क्यों आई मतलब अब इसकी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन रही होगी ना चलो अब हम लिमिटेशन जो है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशन ओके सो लिमिटेशन के लिए पहले तो हम पेन चेंज कर लेते हैं देखो लिमिटेशन में सबसे बड़ी लिमिटेशन देखो कार्बन जो है वो फोर बॉन्ड्स बनाता है लेकिन वीबीटी ने क्या कहा सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाएगा वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमने तो मॉलिक्यूल्स देख लिए तो ये तो बहुत बड़ी लिमिटेशन हो गई ठीक है सो टेट्रावेलेंसी टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट जस्टिफाइड ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया राइट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट जस्टिफाइड अगर वो ये बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वही अगर पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में तो वो तो टेट्रावेलेंट हुआ ही नहीं कैसे देख लेते हैं कार्बन सिक्स एटॉमिक नंबर सो वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू तो देखो अब यहां पर टू एस क्योंकि आउटर मोस्ट ही पार्टिसिपेट करता है उसमें भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टू एस अगर हम देखें तो ये तो पेयर्ड है

ये लास्ट में एमओ टी से ही जस्टिफाई हुआ था बाकी यहां से भी हमें कुछ नहीं पता चला शेप ज्योमेट्री ये सब कुछ हमें नहीं पता चला तो ये सारी चीजें हम क्या कह सकते हैं दे आर इन दी लिमिटेशन ऑफ विबिटी ठीक है तो विबिटी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है नेक्स्ट इसके सारे मेन पॉइंट्स मैंने जो डिस्कस करने थे वो कर लिया जो जेई के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन ठीक है हाइब्रिडाइजेशन अब हाइब्रिडाइजेशन ने और आगे जो ड्रॉबैक्स है वीबीटी के उनको जस्टिफाई करने की कोशिश की तो हाइब्रिडाइजेशन ये चीज बोलती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स दे इंटरमिक्स टू फॉर्म ओके एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू सेट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बाकी इस इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना कि अटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो सारी चीजें पढ़ लेना आप मेन मेन चीजें हम डिस्कस करेंगे तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम यहाँ पर सी एच फोर बना लेते हैं ठीक है कि सी एच फोर कैसे बना उसकी हाइब्रिडाइजेशन एक दो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे सो so, कार्बन जो है वन एस टू टू एस टू एंड देन टू तो आउटर मोस्ट में देयर इज ऑलवेज दी एक्साइटेशन में यहाँ पर डायरेक्ट दिखा रही हूँ सो वन वन एंड वन ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गया है एक्साइट हो गया एंड अनपेयर्ड हो गया है. तो यहां से जस्टिफिकेशन होगी फॉर दी टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन ये पॉइंट क्लियर है सो दिस इज एस एंड दिस इज थ्री पी है ना सो दे इंटरमिक्स और यहां से हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है दैट इज एस पी थ्री इसी तरीके से अगर चार बॉन्ड है तो sp3d ठीक है एसपी थ्री डी टू इस तरीके से आगे फर्दर हाइब्रिडाइजेशन है तो दिस तो इज से दिखता है हमें कुछ इस तरीके से दिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन दिस इज एस पी थ्री नाउ सो दिस इज एस पी थ्री एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन है वन एस वन में फाइन तो यहां पर कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन जो है उसके एस ऑर्बिटलोजन so, तो अच्छे से आप देख लेंगे ठीक है इसमें एक और एग्जाम्पल मैं वो दिखा देती हूं जिसमें हम पाए बॉन्डिंग एक बार देख लेते हैं सो so, वैसा कुछ एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो यहां पर देखो आप ये जो कार्बन है और ये कार्बन ये आपस में भी सिग्मा बॉन्ड बना रखा है इन्होंने और हाइड्रोजन के साथ भी इतना तो हमें आइडिया लग रहा है देखो और पहला बॉन्ड हमेशा ध्यान रखना है पहला हमेशा सिग्मा होता है और ये बाकी दोनों के हैं आर पाए फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड जो एडिशनल बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं पाए बॉन्ड होते हैं तो यहां पर देखो आप सबसे पहले इसके लिए भी देख लेते हैं कार्बन जो है दैट इज गोइंग टू बी वन एज टू 2s2 एंड 2p2 अभी अभी हमने बात की है तो मैं ये बिल्कुल डायरेक्ट दिखा रही हूं आपको One, two, three and four. ठीक है तो अब यहां पर देखो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है यहां पर और एक सिग्मा बॉन्ड यहां कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में भी है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ क्या होगी दिस इज एस पी और ये जो है ये दो आर प्योर पी ये ध्यान रखना है जो पाए है वो प्योर पी ऑर्बिटल से ही बनता है प्योर पी ऑर्बिटल से पाए बॉन्डिंग होती है साइडवेज ओवरलैपिंग वहां पर इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी ध्यान रखना है तो यहां पर देखो अब आप अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कार्बन जो है दिस इज एस पी ओनली और यहाँ पर भी ये क्या है एस पी ठीक है और बाकी जो दो पी है वो क्या करेंगे दे विल बी ओनली पार्टिसिपेटिंग इन द साइडवेज ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको हम ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन जिनके बीच में फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बन गया है और यहां पर हम दिखा सकते हैं दिस इज दी पी जो प्योर पी ऑर्बिटल्स है देन यहां पर हम ये चीज दिखा सकते हैं यहां पर ये हाइड्रोजन आ गया है यहां पर ये हाइड्रोजन आ गया है तो तीन सिग्मा बॉन्ड हमें क्लियरली देखो आपको दिखने चाहिए ये बिल्कुल अच्छे से सो दिस इज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन के ये एस पी है This is also SP. So, यहां पर देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड है बीच में यहां पे, देन कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फिर यहां पर एक और हाइड्रोजन है इसके साथ भी क्या है ये सिग्मा बॉन्ड है फाइन और यहां पर देखो आप प्योर पी ऑर्बिटल इधर है तो प्योर पी ऑर्बिटल इधर भी है और ये आपस में क्या करेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो इसको हम इस तरीके से ही दिखाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं ये इस तरीके से साइडवेज ओवरलैपिंग है इनकी ठीक है तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है सो दिस इज दी हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से ऑर्बिटल्स क्या हैं? करते हैं ओवरलैप करते हैं बट इसमें क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे डायरेक्ट मॉलिक्यूल है तो उसमें हमें डायरेक्ट कैसे पता चले फटाफट से एक दो मॉलिक्यूल हम अच्छे से वैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं

ठीक है नाइट्रोजन के फोर बॉन्ड एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो पॉजिटिव एक बॉन्ड कम है तो नेगेटिव नेगेटिव तो यहां पर देखो आप वन एंड टू सो यहां पर अगर हम बात करें सो so एक सिग्मा बॉन्ड है और यहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है सो नाउ टोटल टू सो दिस इज दिक नंबर सो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर सिर्फ क्या हो गई इसकी एस ठीक है दो सिग्मा मतलब एस ठीक है और देख लेते हैं चलो और एग्जाम्पल देखते हैं हम और एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे कि ओ थ्री ओजोन के लिए देखते हैं फटाफट से सो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट को हमें सिंपल कॉविलेंट में पहले कन्वर्ट करना है इसका एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है एक लॉन पेयर भी होता है यहाँ पर सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव तो फटाफट से यहाँ पर काउंट करके मुझे बताओ मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए सो so यहाँ पर देखो दिस इज वन सिग्मा सिग्मा और एक यहां पर क्या है लॉन पेयर सो so, टू सिग्मा प्लस वन पेयर तो यहां पर टोटल थ्री तो थ्री मतलब और देख लेते हैं हम ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक अच्छे से करके जाना है आपको यहां पर देख लेते हैं चलो आई थ्री नेगेटिव देख लेते हैं और एक आई थ्री पॉजिटिव देख लेते हैं चलो मुझसे पहले बताना है आपको मेरे आंसर से पहले आंसर आपका खुद होना चाहिए पहले आप सोचो और फिर आपको देखना है पे चलो आई थ्री नेगेटिव कैसे सोचना है आपको देखो दिस इज एक्चुअली आई नेगेटिव प्लस आई टू कुछ इस तरीके से सोचो एक आई है और फिर साइड में दो आई लग जाते हैं तो यहां पे देखो आप आयोडीन आई आयो, जो आयोडीन है उसके दैट इज दलोजन तो सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नेगेटिव मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया डायरेक्ट आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे फटाफट बिल्कुल सो एट एट मीन एट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर दिस इज एस पी थ्री बात समझ आई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एट इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब क्या हो गया कि एक लोन पेयर काउंट करते हैं ना हम तो फोर इसका मतलब क्या हो गया फोर फोर मतलब एसपी थ्री ठीक है क्योंकि हम दो इलेक्ट्रॉन को एक पेयर में काउंट करते हैं ना तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको ओके okay, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं सिमिलरली यहां पर भी देखो आप सो दिस इज आई पॉजिटिव प्लस आई टू तो पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो सेवन माइनस वन तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए सिक्स और टू इलेक्ट्रॉन्स में एक वन पेयर तो यहां पर दिस इज गोइंग टू बी थ्री सो थ्री मीन्स एस पी ठीक है तो इस तरीके से आपको तुरंत हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है जैसे कि अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो डायरेक्ट स्ट्रक्चर पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहां पर भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फाइन तो यहां पर देखो अब जल्दी से इस सल्फर के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है या तो पेयर काउंट करने होते हैं या सिग्मा ये ध्यान रखना है पाए बॉन्डिंग नहीं काउंट होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं वन टू थ्री एंड फोर सो दैट मीन्स डायरेक्टली फोर मतलब sp3. तो इस तरीके से आंसर आना चाहिए फाइन PCl5 एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं ठीक है कितने बॉन्ड है यहां पर PCl5 मतलब फाइव बोन्ड्स फाइव बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया फोर तक तो हम एस पी थ्री बात करते हैं जैसे ही एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने लगेंगे तो नेक्स्ट ऑर्बिटल दैट इज उसका पार्टिसिपेशन आने लगेगा एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री डी थ्री इस तरीके से ठीक है सो आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी है आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है वो स्टार्टिंग में एक समझने के लिए था कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन है आपको एग्जाम में ये फॉलो करना है फाइन ओके नाउ कंपाउंड्स विद नो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर एक रूल है ड्रैगोज रूल बोलते हैं इसको ड्रैगोज रूल के अंडर हम पढ़ते हैं कि कौन से कंपाउंड है जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है और ऐसा क्यों है तो देखते हैं ड्रैगोज रूल सो ड्रैगोज रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास ठीक है अगर मेरे पास जो सेंट्रल एटम है वो थ्री पी फोर पी फाइव पी या सिक्स पी का है मतलब टू पी का नहीं है और साइड एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है टू पॉइंट फाइव जनरली हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का ही केस हमारे पास आता है सो so, अगर हाइड्रोजन है जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ये मैंने बोल दिया है ये मैं लिख नहीं रही हूं अब जैसे कि पी एच थ्री तो अगर हमारा सेंट्रल एटम ठीक है थ्री पी का है या फोर पी का है या फिर फाइव पी सिक्स पी और साइड एटम ठीक है सेंट्रल एटम यहाँ पर अब क्या हो गया थ्री पी का हो गया साइड एटम जो है हमारे पास वो क्या हो गया लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन इसका रीजन क्या है बहुत ही सिंपल सा रीजन है बहुत ही ऐसे कॉम्प्लेक्स कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है देखो अमोनिया देखते हैं पहले अमोनिया में अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं ठीक है मान लो कि इसका इतना साइज है तो हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से चिपके हुए कुछ ऐसा सोच सकते हैं है ना बिल्कुल बच्चों की तरह समझते हैं इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है सिंपल चीजों को क्यों कॉम्प्लेक्स करना है देखो ऐसे ही अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो उसका साइज इस तरीके से तो होगा ना शेल बढ़ेगा तो साइज थोड़ा ज्यादा होगा और यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन है तीन इस तरीके से ठीक है तो अब अगर मैं बात करूं यहां पर देखो यहां पर ये कंपैरेटिवली क्या है दे आर कंपैरेटिवली क्लोजर सो यहां पर रिपल्शन है repulsions है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है टू मिनिमाइज द रिपल्शन जहां पर हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट मींस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या है डिस्टेंस है सो so, यहां पर ऑलरेडी नो रिपल्शन या आप कह सकते हो कि मिनिमम रिपल्शन सो ऑलरेडी एक बेटर टर्म है नेग्लेजेबल रिपल्शन और अगर रिपल्शन ही नहीं है तो वो क्यों इतनी मेहनत करेगा क्यों हाइब्रिडाइजेशन करेगा ऐसे ही तो हो नहीं जाएगी उसमें भी तो कुछ मेहनत लगेगी ना तो अगर कोई ऑलरेडी स्टेबल है तो वो हाइब्रिडाइज क्यों होना चाहेगा ठीक है और प्रैक्टिकली दूसरा एक तरह से सपोर्टिव ये चीज भी है कि एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो एंगल चेंज हो जाता है ठीक है एंगल चेंज हो जाता है एक्सपेरिमेंटली जब हमने इसको देखा है सो दिस इज 90 डिग्री इसका जो एंगल था वो 90 डिग्री था दैट मींस विदाउट हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है सो so, इसका मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ड्रैगोज रूल आपको ध्यान रखना है ओके सो नाउ हाइब्रिडाइजेशन विथ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ये भी हम देख लेते हैं ओके सो ऑड इलेक्ट्रॉन चीज बिल्कुल आपको दिमाग में बिठा लेनी है यहां से भी जेई में क्वेश्चन आ सकता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ओड इलेक्ट्रॉन तभी पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में जब हमारे पास देखो ओड इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली वेन पार्टिसिपे ये ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आप समझ गए और इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन हाइड्रोडाइजेशन इफ इफ से स्टार्ट करते हैं चलो इफ साइड एटम इफ साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ही ओड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना है आपको एंड देयर शुड बी देयर शुड बी नो लॉन पेयर क्योंकि वो फिर डोमिनेट कर लेगा अगर लॉन पेयर होगा तो लॉन पेयर विल डोमिनेट तो ये चीज भी बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको

स्ट्रक्चर से थोड़ा ज्यादा इजीली समझ आएगा सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में सो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सो चार इलेक्ट्रॉन यूज हो गए एंड ठीक है ये इलेक्ट्रॉन हो गया यहां पर देख लेते हैं क्लोरीन थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दिस इज वन ऑड इलेक्ट्रॉन तो यहां पर देखो आप साइड एटम ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबको पता है ये चीज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन तो यहां पर देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर थ्री प्लस वन थ्री सिग्मा बॉन्ड पाए को काउंट नहीं करना है सो so थ्री सिग्मा बॉन्ड थ्री प्लस वन सो फोर सो दिस इज एस पी थ्री क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा लेकिन यहां पर देखो आप अब हमें साइड आइटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है ये देखना ही नहीं है अगर हमारे पास पेयर आ गया है तो लॉन पेयर ही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में बिल्कुल ध्यान रखना है दिस इज रियली इंपॉर्टेंट ओके इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है तो यहां पर देखो आप दिस विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन सो वन टू एंड थ्री सो टोटल थ्री सो दिस इज गोइंग टू बी एस पी टू ठीक है तो ये चार एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट इज वी एसई पी आर थ्योरी सो वेल एंड शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एक्चुअल में ये थ्योरी हमें क्या बताती है सिंपल हमें ये बताती है शेप ज्योमेट्री ये सबकी डिस्कशन होगी यहां पर कि किस तरीके से शेप एंड ज्योमेट्री है एंड अदर डायमेंशन ऑल्सो ये भी यहाँ ही से पता चलते हमें कि बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ ये सारी चीजें हमें इसी थ्योरी से पता चलती है ठीक है अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री जो है वो डायरेक्टली ज्योमेट्री इंक्लूड्स ऐसे बोल सकते हैं हम ज्योमेट्री इंक्लूड्स सिग्मा बॉन्डिंग प्लस पेयर ठीक है लेकिन जो शेप है बस दोनों में इतना ही फर्क है शेप जो है वो लोन पेयर को नहीं मानती मतलब उसके लिए लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करते एक तरह से आप लोन पेयर को छुपा लो बस ठीक है शेप जो है दैट ओनली इंक्लूड्स इंक्लूड्स ओनली सिग्मा बॉन्ड कुछ इस तरीके से हम बात कर सकते हैं सो इट इंक्लूड्स ओनली सिग्मा बॉन्ड ठीक है जैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल भी ले लेते ले हैं बाकी ये है सारी एग्जाम्पल्स हम डायरेक्टली देख लेंगे सो so, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल खुद ले लेती हूं एस पी थ्री में हम तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल है बहुत कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है एंड अमोनिया ले लेते हैं ठीक है एंड एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एच टू चलो तो हाइब्रिडाइजेशन तो अच्छे से सीख चुके हो अब आप हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब हाइब्रिडाइजेशन में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये अब हम बहुत अच्छे से से सीख चुके हैं तो मेरे से पहले आपका आंसर होना चाहिए फटाफट से बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है दिस इज दे ऑल आर क्योंकि देखो फोर सिग्मा बॉन्ड यहां पर क्या है थ्री सिग्मा प्लस वन लॉन पेयर यहां पर टू सिग्मा प्लस टू लॉन पेयर फाइन सो हाइब्रिडाइजेशन तीनों की क्या है एसपी थ्री लेकिन मैंने क्या कहा कि ज्योमेट्री जो है वो यहां पर पेयर को इंक्लूड करती है लेकिन शेप नहीं तो ज्योमेट्री जो है इन सब की टेट्राहेड्रल ही है ठीक है अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री है लेकिन शेप जो है शेप जो है लॉन पेयर को इंक्लूड नहीं करती तो यहां पर क्योंकि यहां पर लॉन पेयर नहीं है तो सेम ही लेकिन यहां पर लॉनपेर को आप छुपा लो इस तरीके से तो यहां पिरामिडल ठीक है सो दिस इज दी पिरािडल शेप यहां पर इन लॉनपे को आप छुपा लो इस तरीके से देखो सो दिस इज दी देंट या फिर वी शेप सो दिस इज दी देंट शेप ठीक है तो इस तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल्स एनसीआर में भी आप देखते हो प्रॉपर एक टेबल बनी हुई है उसमें ये सारी चीजें से दिखाई जाती है विद एक्जाम्पल्स so really तो ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने है दिस इज रियली इंपॉर्टेंट तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप अच्छे से देख लो और इनको एनसीआर से भी जाके आपको अच्छे से रिवाइज करना है तो किस तरीके से सारी चीजें लिखी हुई है और फर्दर एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं ठीक है तो ये सब कुछ हमें देखना है और हर टाइप लिखे हुए हैं कि अगर लॉन पेयर है तो क्या और बाकी सब हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें सारी कवर्ड है तो ये सब आपको अच्छे से देखना है बाकी यहां पर हम बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं ये फिगर आप अच्छे से देख पा रहे हो इन सब से रिलेटेड हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं यहां पर ये यह क्या चीज दिखाई हुई है देखो रिपलशन और वो सारी चीजें मैं समराइज कर देती हूँ यहाँ पे यहीं पे एक बार मैं समराइज कर देती हूँ देखो अगर हम बात करें या एक बार एक एग्जाम्पल में यहां डिस्कस करती हूँ फिर लास्ट में देखते हैं इसको यहां पर देखो ये सिंपल यही बताया गया है कि जो पेयर लॉन पेयर है इनकी रिपलशंस बहुत ज्यादा होती है तो जो एक्सपेक्टेड जो है उससे ज्यादा मतलब ज्यादा या कम एंगल में चेंजेस आते हैं तो ये जो लॉन पेयर है ये क्या करते हैं देर रिपेल और अगर हम बात करें तो लॉन पेयर पेयर रिपल्शन जो है वो ज्यादा होती है देन बॉन्डपेयर पेयर रिपल्शन एंड देन पेयर बॉन्ड बॉन्डपेयर रिपल्शन अच्छे से आपको ध्यान रखना है इसमें रिपल्शन को ही अच्छे से डिफाइन किया गया है ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है तो पेयर लॉन्पेयर लॉनपेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है ओके क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो दे आर हाईली अनस्टेबल तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी देन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन फाइनली बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर फाइन तो ये सारी चीजें हैं इसमें बॉन्ड एंगल पर क्या फर्क पड़ेगा वो सारी चीजें आगे हम डिस्कस करते हैं एमओटी टी ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ठीक है सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो कैसे अलग है देखो विबीटी हमें कहती है वीबीटी कहती है ओनली अनपेयर्ड ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स या फिर कह सकते हो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ओवरलैप यही तो हमने डिस्कशन किया था लेकिन एमओी कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता एमओी बोलता है कि सारे ही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं ठीक है वीबीटी कहता है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एमओ कहता है ऐसा नहीं है ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑल दर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप अरे ये कैसे हो गया है ना तो ये सारी चीजें एमोट डिफाइन करता है कि सब ओवरलैप करते हैं फिर वो वही जो हम साय ए साए बी प्लस अगर दोनों का पॉजिटिव ओवरलैप है तो वही बॉन्डिंग अगर नेगेटिव है तो एंटी बॉन्डिंग वो सब कुछ आपको एक बार पढ़ लेना है बाकी आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा ठीक है पैरामैग्नेटिक नेचर या डाया नेचर तो किस तरीके से निकालते हैं पहले ये चीज देख लेते हैं ये है क्या ये आपको अच्छे से पता ही है ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर पर क्वेश्चन आ सकता है या फिर इस तरीके से हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाला है ठीक तो है तो लास्ट आपको यही देखना है कि कहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आएगा तो, इस तरीके से आ सकते हैं। तो देखो डायग्राम यहाँ पे दिखा दिए दो अलग होते हैं इक्वल टू फोर्टीन रहे जैसे n2 तक अगर हम बात करें n2 से ज्यादा जब बात करते हैं तो विदाउट इंटरमिक्सिंग मिक्सिंग हमारे पास ये डायग्राम होता है ठीक है बेसिकली इस तरीके से ये होता है कि जो वन है तो वन मान लो ये वन है ये वन है तो इन दोनों की इस तरीके से पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्डिंग कहते हैं हम सो दिस इज वन एस बॉन्डिंग ठीक है बॉन्डिंग को इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग जब वो इस तरीके से अपट्रैक्शन में जाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मतलब हाई एनर्जी तो वो इधर जाएगा वन एस और एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रहते हैं बाकी अगर हम जनरल देखें तो वो इस तरीके से होता है अगर हम पी में बात करें तो पी में सिग्मा ठीक है बॉन्डिंग के लिए अगर हम बात करें तो वो उसकी एनर्जी कम होगी ना वो यहाँ नीचे होगा पहले देन पाए ठीक है पाए जो है वो दोनों ही होंगे दो पाए बनेंगे यहां पर इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये है यहाँ पर आप देखो है ना ये दोनों एक साथ होंगे तो एक सिग्मा और बाकी जो है वो पाए होते हैं तो बाकी दो ऑर्बिटल क्या बनाएंगे पाए बनाएंगे एंड उसके बाद जो एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होती है देन यहाँ पर पाए स्टार एंटी बॉन्डिंग में पाए की एनर्जी जो है वो इधर होगी और फाइनली जो है वो सिग्मा स्टार क्योंकि सिग्मा जो है वो बॉन्डिंग में रहना चाहता है अगर आप उसको एंटी बॉन्डिंग में करोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी हाई हो जाती है उसकी तो ये हमारा एग्जैक्ट होता है विदाउट मिक्सिंग मतलब ये नॉर्मल ट्रेंड है लेकिन जब मिक्सिंग हो जाती है तो यहां पर इस तरीके से रिपल्शन की वजह से यहां पर देखते हैं देखो रिपल्शन की वजह से अब यहाँ पे सिग्मा क्या हो गया सिग्मा यहां पर देखो आप यहां पे चेंजेस दिखेंगे आपको ये ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे चेंज हो गया है वो जबकि हम इधर देखें तो इधर देखो बिल्कुल जो नॉर्मल ट्रेंड लिखा है वही है सिग्मा टू पी एंड देन पाई एंड देन पाई स्टार एंड देन सिग्मा स्टार ये चीज आपको ध्यान से यहाँ पे समझनी है लेकिन जब 2s 2p मिक्सिंग होती है तो यहाँ पर ये यह चेंज हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से ये इधर से ऊपर चला जाता है इधर इस साइड ठीक है तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी तरीके से होगी होमो पता होना चाहिए हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल जहां तक इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं ल्यूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल तो वो चीजें ध्यान रखनी है देन अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की एक दो चीजें देख लेते हैं अगर हम यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो वो कैलकुलेट कैसे होगा हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग तो ये फॉर्मूला होगा अगर पैरा मैग्नेटिक की बात की जाएगी पैरा मैग्नेटिक की अगर हम बात करें तो पैरा मैग्नेटिक का मतलब है कि उसके पास क्या है देखो ध्यान से पैरामैग्नेटिक का मतलब है हैविंग दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए हैविंग दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि अगर आपके एमओटी डायग्राम में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे सो दैट मींस दैट मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक क्लियर है देन डाया मैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक जो है वो होगा जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सब इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेयर्ड है. So, है तो हम क्या कहेंगे दैट इज डायमैग्नेटिक क्लियर है तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में चलो अब हम कुछ देख लेते हैं बॉन्ड एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए भी हुए हैं पीवाई क्यूज में अगर हम देखें तो मेन टॉपिक यही है देखो वीबीटी में

चलो यहाँ पर मतलब मैं इसको अलग से थियोरिटिकल ना बता के आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही दो तीन चीजें डिस्कस करती हूँ चलो यहां पर देखते हैं अब हम अगर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करोगे एच टू ओ एफ टू ओ एंड सी एल टू ओ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको मुझे बताना है कि बॉन्ड एंगल ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर उसमें आपको अरेंज करना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये आप बताओ मेरे को सोचो ये मैं थ्योरिटिकली अलग से ना कवर करके यहीं पे आपको बता रही हूं तो देखो अब ध्यान से सुनो यहां पर एक थ्योरी लगती है विच इज नोन एज एन बी पी आर थ्योरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये क्या कहती है कि अगर मेरे पास देखो सेंट्रल एटम जो है वो 2p का है मतलब छोटा है एक तरह से और जो मेरे पास साइड एटम है जो साइड एटम है वो बल्कि ग्रुप है मतलब अदर देन 2p पी दैट मे भी थ्री पी फोर या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है जैसे कि मिथेन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि वो भी बहुत बल्कि है ना पे H इस तरीके से निकले हुए हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है और उस रिपल्शन की वजह से देखो उस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है मतलब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ओ सी एल सी एल यहाँ पर मेरे पास क्या है इस तरीके से लोन पेयर है तो ये ग्रुप हम ये कहते हैं कि बहुत बल्कि अब देखो फर्दर इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है इस तरीके से तो यहां पर बहुत ज्यादा रिपल्शन की वजह से हम ये बोलते हैं कि ये वाला एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है दिस एंगल इज रियली मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड फाइन अब हम बाकी बात करते हैं इसका मतलब अगर इसमें एंगल ठीक है अगर हम इसमें एंगल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब दिस इज फर्स्ट वन अगर हम ये कहें कि मैक्सिमम एंगल है इसके पास अब हम देखते हैं एच टू और एफ टू में कैसे देखेंगे देखते हैं ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड देन पेयर एंड पेयर फिर यहां पर ऑक्सीजन यहां पर फ्लोरीन है फ्लोरिन पर फ्लोरीन है है देन पर भी क्या पेयर पेयर एंड तो देखो ध्यान से देखो ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको किस तरीके से देखना है हाइब्रिडाइजेशन सेम है नंबर ऑफ पेयर सेम है पहले तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखते हैं है ना देन पेयर के बेसिस पे देखेंगे जितने ज्यादा पेयर होंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी तो जो बॉन्ड एंगल बॉन्ड बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा कम होता चला जाएगा लेकिन अगर वो इजी है मतलब वहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें अगर कुछ ऐसा आ जाए कि जो बिल्कुल सेम दिख रहा है हमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम दिख रही है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर भी ऑलमोस्ट सेम मतलब सेम ही है राइट सो so यहां पर देखो आप अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम देखेंगे हमें एक ही डिफरेंस दिख रहा है देखो कुछ को ये माइंड में आ भी गया होगा कि अरे मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम तो अलग है या साइड एटम तो अलग है ऐसा तो दिमाग में आया ही होगा ना तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंट्रल एटम इज यहां पर देखो सेंट्रल एटम जो है इधर यहाँ पर और यहां पर देखो सो so, यहाँ पे सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा किसकी तरफ है ऑक्सीजन की तरफ जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी है दे आर मोर टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन तो यहां पर क्या हो गई है देखो सेंटर में क्राउडिंग हो गई है सेंटर में क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई है तो क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि यहां पर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी ना बीच में अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो दे विल रिपेल रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज इसका मतलब सेकेंड जो है ये होगा क्योंकि अब यहां पर देखो थर्ड में क्या है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो थोड़े बट गए हैं देखो दोनों साइड अलग अलग बट गए हैं तो उतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं होगी सो सेकेंड एंड लास्ट में यहाँ पे थर्ड ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसी तरीके से बॉन्ड लेंथ पे भी क्वेश्चन हो सकता है देन एक और हम चीज देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज बैक बॉन्डिंग ठीक है बैक बॉन्डिंग को हम डिस्कस करते हैं और ये सबसे ज्यादा फेमस जब हम बात करते हैं तो वो बोरोन के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं इसकी एसिडिटी है ना इसका एन फैक्टर भी हम वन कहते हैं बोरिक एसिड अगर हम बात करें थ्री बीओ थ्री क्योंकि इसके पास होता है, देखो और हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन सॉरी बैक बॉन्डिंग की कंडीशन भी ये है बैक बॉन्डिंग की कंडीशन भी हमारे पास यही है कि एक के पास ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास क्या होने चाहिए लोन पेयर होने चाहिए तो अगर लोन पेयर है तो यहां पर क्या हो जाएगी देयर विल बी बैक बॉन्डिंग ठीक है इलेक्ट्रॉन इसके एमपीटी पी ऑर्बिटल में इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे तो बैक बॉन्डिंग इसको हम कहते हैं फाइन सो so, ये चीज है और इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूं एसिडिटी ऑर्डर बी एफ थ्री बी सी एल थ्री बीबीआर थ्री एंड बी आई थ्री चलो फटाफट से ये बताओ मुझे ये क्वेश्चन आपको फटाफट से मुझे बताना है कि अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो एसिडिटी ऑर्डर जो है वो क्या होगा आपके हिसाब से फटाफट से बताइए मेरे को देखो समझ लिया सोच लिया सोच लिया करें डिस्कस चलो देखो यहां पर बोरोन के पास क्या है एम्पिटी टू ये हमें पता है और ये सब में कॉमन है तो ये तो इससे तो कोई चेंजेस आने नहीं वाले है ना सो so, बोरोन के पास तो क्या है टू पी है लेकिन यहां पर देखो आप जो फ्लोरीन है उसके पास भी लोन पेयर कहां है टू पी में ही है और क्लोरीन के पास लोन पेयर कहाँ है थ्री पी में ब्रोमीन की बात करें तो फोर पी एंड आयोडीन की बात करें तो फाइव पी तो किस में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी किस में ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी ऑफकोर्स अगर सिमिलर हो तो है ना टू पी टू पी दैट मीन मच मोर इफेक्टिव यहां पर हम क्या कहेंगे दिस इज मच मोर इफेक्टिव सो अगर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तो बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिय है वो तो यहीं से कवर अप हो रही है ना ठीक है तो इसका मतलब ये अच्छा मतलब इसकी एसिडिटी कम हो रही है एसिडिटी का मतलब यही है ना कि बाहर से उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए राइट तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी तो यहाँ से क्या हो रही है कम हो रही है क्योंकि ये स्टेबिलाईज हो रहा है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी है वो यहीं से कवरअप हो रही है तो कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे कि जो आयोडीन है आयोडीन के साथ जो बोरोन है उसकी एसिडिटी ज्यादा है तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं देखो बी आई थ्री इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी ऑर्डर विल बी बी आई थ्री ठीक है इस तरीके से आप लिख सकते हो क्लोरीन एंड फाइनली फ्लोरीन ठीक है सो so, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी तो बैक बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसकी चीज आगे आप कार्बोगटाइन या कार्बो कार्बोअन की स्टेबिलिटी आगे ऑर्गेनिक में भी देखते हो रेजोनेंस भी हम ऑर्गेनिक में ही कवर करते हैं ज्यादा अच्छे से तो वो टॉपिक हम वहीं पर कवर करेंगे बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हमने देख ली हैं कि क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब आपको एक तरह से ज्यादा फोकस किस पे करना है एमओ में चीजें बता दी है वीबीटी राइट right, और ज्योमेट्री एंड शेप वो सारी चीजें हमें अच्छे से कवर करनी है ठीक है तो इसी तरीके से आपको हमसे जुड़े रहना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्योंकि अगली वीडियो में हम मिलेंगे विद दी न्यू टॉपिक जिसमें हम इस तरीके से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे ठीक है उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ओके सो स्टे कनेक्टेड थैंक यू बाय